वेलकम टू मिस्टी किचन। आज हम बना रहे हैं छोलिया कढ़ी। छोलिया कढ़ी को हरे चने से बनाया जाता है। हरे चने को हम छोलिया भी बोल देते हैं। और कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हरा चना, 4 टमाटर, 4 प्याज, 1 इंच टुकड़ा लंबा हमें चाहिए अदरक का, लहसुन और 3 हरी मिर्च चाहिए, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हमें धनिया पाउडर चाहिए और 3 पिंच हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग चाहिए और कुछ दाने हमें मेथी के चाहिए। और हमने इन सभी चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। हमने तेल ले लिया है इनको बनाने के लिए। प्याज का पेस्ट चाहिए, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और छोलिया का पेस्ट है इसको बनाने के लिए। हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने पर फिर हम इसमें हींग और मेथी के दाने डालेंगे सबसे पहले, और फिर जीरा, फिर हम लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल देना है। 2 मिनट तक फिर इसको फ्राई करना है थोड़ा सा, और फिर हम इसमें प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देना है। इसको मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा अच्छे से हमने पकाना है 10-12 मिनट तक। अब हमारा जो कलर है प्याज का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। हमने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल देना है। इसको भी मिक्स कर लेना है अच्छे से और 8-10 मिनट तक हमने इसको भी पकाना है। हम देख रहे हैं कि मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है। बड़ा अच्छा मसाला बन गया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक, धनिया पाउडर, ऐसे ही हम इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसको हिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेना है। इसको हम 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ा। बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। और हम देख रहे हैं कि हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। और हम इसमें जो पेस्ट बनाया था छोलिया का वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल लेना है और इसको हिलाना है। और आधा ग्लास पानी हम डालेंगे अभी। कढ़ी जो है काफी गाढ़ी है। और 1 गिलास पानी हम इसमें फिर से डाल देंगे। अगर आप थोड़ा थिक कढ़ी खाना चाहते हो तो फिर आप पानी थोड़ा कम डालिए। इसको मिक्स करके अच्छे से हम इसको ढक देंगे और आधा घंटा तक पकाएंगे। सिम पे पकाना है इसको। और हम देख रहे हैं कि जो कढ़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और अब हम इसको राई का तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम छोटे पैन में 1 चम्मच जो है तेल वो गर्म कर लेंगे और इसमें राई डाल देंगे। और इसमें 3 लाल मिर्च डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम कढ़ी में डाल देंगे।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। इसको हम नान, राइस या चपाती के साथ जो सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।